अमित कुंडू जो प्रचार प्रसार में साथ लगे थे कांग्रेस के बहुत बड़े अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह का आपके सहयोग प्रचार में हम भूपेंद्र हुड्डा जी किसानों के मजदूरों के मसीहा और आज़ादी की पार्टी के टाइम से सभी कार्यकर्ता और सभी जुम्मेवार सभी को हमारे दीपेंद्र भाई युवा के नौजवानों के साथी भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद है और सभी को 22 हम उम्मीदवार थे टिकट के लिए आवेदन करने वाले कांग्रेस पार्टी में 22 के 22 ने भाई सुभाष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आह्वान किया है और भूपेंद्र जी और दीपेंद्र जी के आशीर्वाद से हम जैसी गाइडलाइन है इनको जिता के हमने विधानसभा में हरियाणा में सबसे ऊपर लेके जाना है और सभी दो गांव ने वही विकास वही पटरी पे लाना है जो 5 साल पहले था और हम जो बुरा वक्त हमने 5 साल गुजारा है जिस सरकार के साथ हमारी जनता ने उसको हमने भुलाना है। तो क्या सभी को साथ मिलाकर चल पाएंगे आप लोग? बिल्कुल 22 के 22 उम्मीदवार और पूरी जनता हमारे 72 गाँव 27 वार्ड और हमारी पूरी शहर और मंडी सभी को हम साथ लेके चलेंगे और सभी का आशीर्वाद लेके हम भाई सुभाष जी को विनर बना के हम चाह रहे हैं कि किसानों के मसीहा हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हम ज़्यादा वोटों से विनर होकर विधानसभा में प्रवेश करें। कांग्रेस के दो बड़े चेहरे आज यहाँ पर नामांकन भरवाने खुद आए हैं, सुभाष गांगुली का फिर खान है, दिनेश जामनी है, दोनों से हम जानना चाहेंगे किस तरह के कंडीशंस हैं, किस तरह के वो काम करें जिताने वाले हैं पार्टी को। क्या लगता है ये वोट में तब्दील कर पाएंगे? वोट में तब्दील करने वाली पब्लिक होती है, कोई भारी पब्लिक जो है नहीं जादूगर के साथ आई हो। जादूगर से इशारा किसकी तरह? और आप समझदार हो, जादूगर का तमाशा कौन देख रहा था। आप जीत में ही तब्दील होगी और जितनी तब्दील होगी कि सामने वालों की जमानत कितनी वोटों से जीत पाती है कांग्रेस पार्टी के लगभग यहाँ से 25 से 30 हज़ार की तरफ हम हमारी पार्टी के सिपाही हैं, मेरी जो बड़े भाई हैं हमारे, उनको मनाने का प्रयास किया जाए, वो पार्टी के साथ ही आएंगे, हमारा ही काम करना है। कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ प्रचार करेंगे। मनाने गए थे हमारा प्रयास जारी और बड़े भाई उनको लेके आएंगे, ऐसी कोई नहीं है पार्टी में। महेंद्र सिंह हुड्डा ने और कुमारी संजय जी ने किसान के बेटे को प्रत्याशी बना के भेजा है सीटों के लिए। हमारे भाई ने पहले भी बहुत सेवा की है, हमारी लड़की बहनों के लिए बसें छोड़ी थी, हमारे गरीब और जो मजदूर है उनके लिए सेवा के लिए स्पेशल गोहाना खानपुर में बसें जाती थी, भाई ने पहले भी सेवा की। लेकिन जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे भाई और किसान के बेटे को टिकट दी है तो पूरे सपूतों के अंदर पूरी खुशी की लहर। हम कम से कम 30,000 से मार्जिन से हमारे भाई सबसे जुड़े। आप यूथ है, यूथ क्या उम्मीद करते कांग्रेस पार्टी? हम यूथ पूरा अपना भविष्य हमारे भाई सुभाष गांगुली और कांग्रेस पार्टी में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने सभी कार्यकर्ता सभी जो नेता हैं कांग्रेस के वो कहते हैं हम साथ हैं और जिताने के लिए सुभाष गांगुली को लड़ रहे हैं और 30 से 40 हज़ार का मार्जिन जीत का रहेगा ऐसा दावा वो करते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन से दाव में कितनी सच्चाई है, कितना वो जीत के करीब जा पाते हैं, कितना वो बीजेपी से या अन्य दलों का फाइट कर सकते हैं। लेकिन जंग बहुत रोचक हो गई है सुभाष गांगुली के कांग्रेस में आने के बाद, जंग रोचक हो गई है। यहाँ पर मामला बीजेपी और जेजेपी या कांग्रेस रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि मामला बड़ा पेचीदा सफीदों से हो गया। तो बने रहिए कंचन टीवी के साथ, कैमरामैन सहयोगी पूरा के साथ मैं यशपाल। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।